नमस्कार अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत विभाग की जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो आने वाली वैकेंसी है, वो कितने पदों पे होगी। हम कंप्लीट इस वीडियो में जो देखने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कब फॉर्म भरे जाएंगे, सर्वाधिक पद कौन से सब्जेक्ट के हैं, आपके चयन का क्या आधार है, परीक्षा कब होगी, कौन सा बोर्ड आपका एग्जाम करवाएगा, सिलेबस क्या होगा, इन सब कंप्लीट वीडियो के अंदर हम देखने वाले इन सब चीज़ों के बारे में। आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अपना जो पहला टॉपिक है वो ये है कि कब भरे जाएंगे इसके फॉर्म, मतलब इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की। तो इसके जो फॉर्म है वो मार्च के अंतिम में स्टार्ट हो जाएंगे भरने, मार्च का जो अंतिम वीक होगा उसमें इसके फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं कुल पद कितने होंगे इस वैकेंसी में, कुल पद कितने होंगे। तो लगभग इसके जो पद है वो 2000 है। अगर आप लोगों को अपनी अपनी सब्जेक्ट के पद जानने हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपको सब्जेक्ट के कितने पद हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सर्वाधिक पद किसके होंगे। तो भैया आपके जो सबसे ज़्यादा पद होंगे वो मैथ एंड साइंस के सबसे ज़्यादा पद होने वाले, इसमें 900 प्लस आपके क्या है, मैथ और साइंस के पद इसमें होने वाले हैं। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि चयन का क्या आधार होगा। का चयन का जो आधार है वो रीट की एग्ज़ाम का, जो रीट में आपके पास जितने नंबर है उस हिसाब से होगा या इसका कोई अलग से एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों इस पे बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, देखो इसमें दोनों चीज़ें निकल के आ रही है कि हो सकता है कि आपका जो रीट का नंबर है उससे हो जाए, पर उसके साथ में उससे तो होगा, हो सकता है कि इससे आपकी एक एग्ज़ाम भी हो जाए। तो जिनका क्या है कि अभी बीएड या जो भी इनकी क्वालिफिकेशन हुई है तो उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, और रीट वालों का जो क्या हो जाएगा, पात्रता वाला नंबर लग जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इसमें अभी चल रही है, कोई सा भी इसमें हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं परीक्षा की संभावित तिथि। तो इसकी जो संभावित तिथि निकल के आ रही है अभी अपने पास में वो है जुलाई, जुलाई के आसपास इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम का बोर्ड कौन सा रहेगा। अब इससे पहले जो एग्ज़ाम था उसका, जो मेंस वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसका आरपीएससी बोर्ड था, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका संस्कृत विभाग खुद ही क्या करवाएगा, इस एग्ज़ाम को करवाएगा। तो खुद संस्कृत विभाग का क्या होगा, इसमें बोर्ड होगा। आगे बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम क्या होगा। तो आपका जो रीट का पाठ्यक्रम है ना, अभी तो आपका रीट वाला ही पाठ्यक्रम आप पढ़ें, इसका जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इन सब के बारे में एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा। अभी जो चीज़ें अपने को नज़र आ रही है वो हमने बताई है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।